बहुजन समाज के दिल्ली के अंदर सभी वकीलों ने इकट्ठा होकर एक कॉमन हॉल बनाने की सोची, और वो कॉमन हॉल बनना था कड़कड़डूमा के अंदर। कड़कड़डूमा के अंदर डेट भी सुनिश्चित हो गई और उसमें जज भी सुनिश्चित हो गए कि कौन कौन जज आने हैं, किस प्रक्रिया से उसका उद्घाटन होना है, लेकिन वो कॉमन हॉल नहीं बन पाया। आज हमारे साथ कड़कड़डूमा के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं एडवोकेट जगदीश जी। जगदीश जी, आप कड़कड़डूमा से हैं, तो मैं उस विषय को जानना चाहूँगा कि डेट सुनिश्चित होने का, भोजन पानी की व्यवस्था सुनिश्चित होने के बावजूद क्यों नहीं बन पाया कॉमन हॉल, वो बताएँ। सबसे पहले तो भगवान बुद्ध की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और शुभकामनाएं SM न्यूज़ चैनल को। आपने समाज की बातें बड़े शिद्दत से उठाई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया है इस बात के लिए, आपको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। रही बात वकीलों की, वकीलों का संघर्ष सदैव समाज के साथ रहा है, और जब भी समाज में कोई परिवर्तन आया तो वकीलों का स्पेशली बहुत योगदान भी रहा है। मैं उस विषय पर आपकी रोशनी डाल रहा हूँ जो आपने अभी प्रश्न पूछा है। कॉमन हॉल डॉक्टर B.R. अंबेडकर कॉमन हॉल बनाया जाना था, मनुवादी लोग कॉमन कड़कड़डूमा कोर्ट में वो कॉमन हॉल नहीं बनने देना चाहते। बहुत सारे विषय ऐसे हो गए जिन पर आपत्ति जताई गई, आपत्ति जताई वो एक अलग विषय है। जो हमारे कोर्ट के जो प्रधान हैं, जो ट्रेजरार हैं, इन लोगों ने बहुत प्रयास किया, और हाई कोर्ट के जज मिस्टर G.S. मिड्डा साहब उसका इनॉग्रेशन करने वाले थे, और एक दिन पहले फ्राइडे को, फ्राइडे 17 तारीख को वो पत्थर, जो पत्थर था जिस पर नाम बाबा साहब का लिखा था, कॉमन हॉल डॉक्टर B.R. अंबेडकर कॉमन हॉल, उस पत्थर को रात को एक व्यक्ति लेके चला जाता है, मनुवादी व्यवस्था का व्यक्ति उसे लेकर भग जाता है, जेई के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो इससे आज भी समझ सकते हैं कि लोगों की मानसिकता आज भी चेंज नहीं हुई है, लोग आज भी असमान महसूस कर रहे हैं। बाबा साहब के नाम को लेकर इतना जेलेस हैं लोग, तो समाज को लेकर कितना होंगे, लोगों को समझना तो पड़ेगा। तो ये समस्या आज भी हमारे समाज के बीच में है, आज भी शायद हम लोगों को देखकर लोग खुश नहीं हैं, ये मानसिकता लोगों में अभी भी आई नहीं है, बदलाव की स्थिति नहीं है, बदलाव नहीं चाहते लोग, तो ये हमको समाज में चेंज करना पड़ेगा। जगदीश जी, एक बात बताइए, अगर ये कॉमन हॉल बन जाता तो इससे किसको फायदा होता और किसको नुकसान होता, और क्या होता अगर ये हो जाता तो? देखिए, बाबा साहब का केवल नाम है, नाम से किसी को नुकसान नहीं होता। कॉमन हॉल का फर्क ये है कि अगर कोई बाबा साहब का नाम वहाँ लिखा होता तो ये पता होता लोगों को कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले का नाम कॉन्स्टिट्यूशन की जगह पर है, लोगों को अवेयरनेस होती है, लोग अवेयर होते हैं, बाबा साहब के बारे में जानने की कोशिश करते। शायद इसी बात को लेकर बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते कि वहाँ पर लोग जो आते हैं जो अवेयर हों, ये अवेयरनेस, बाबा साहब का नाम अपने आप में जागरूकता का नाम है, अवेयरनेस का नाम है। अवेयरनेस मतलब डॉक्टर B.R. अंबेडकर, नॉलेज ऑफ B.R. अंबेडकर, ज्ञान देने वाले, शिक्षा देने वाले, समानता समता और कानून की बात समझाने वाले, लोगों को पता चलता कि कानून बनाने वाले का नाम इस तरीके से भी रखा जाए। कॉमन हॉल तो कॉमन है ना, कॉमन का मतलब समझिए, बाबा साहब कॉमन हैं, बाबा साहब तो सबके हैं, तो वो सब इस सोच सोच कर रखा जाए। और ये इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी पड़ा है, ये हमारे प्रति, हम इस बात को, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर इसको बड़ा गिल्ट फील कर रहा हूँ कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, ये प्रॉपर तरीके से इसको लगना चाहिए था। जी, संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर, जिन्होंने अपना काफ़ी बड़ा समय संविधान को बनाने के लिए लगाया, और संविधान जहाँ पे लागू होता है वो होता है कोर्टों से, और कोर्ट के अंदर कॉमन हॉल भी नहीं बनाने दिया जाता, तो आप समझिए इस देश की हालत कैसी होगी उन बहुजन समाज के लोगों के साथ, जहां पे न्याय के अंदर ही न्याय नहीं मिल पाता है। हमारे चैनल को इतनी इन्फॉर्मेशन, जानकारी देने के लिए धन्यवाद जगदीश जी। थैंक यू। सबसे बड़ी बात ये कि अच्छी बात है, आपने बात रखी है समाज के सामने, बाबा साहब तो अपने आप में मिसाल है, कॉमन हॉल आज नहीं बनेगा कल बनेगा, बाबा साहब लोगों के दिलों में जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे, जब तक है धरती अंबर
जब तक है चांद सितारे भारत ऋणी रहेगा उसका अमर रहेगा अंबेडकर। जय भीम, नमः बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।